शिट शिट गाइस, ये इधर तक पहुंच गया, इधर तक ये दिख रहा है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे ना इतने सारे चींटी थे, ठीक है, इतने सारे चींटी थे, दिख रहे हैं ना चींटी। तो मैं ब्रश कर रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, फ़ोन रूम में था, तो मैं ना एक्चुअली वो नहीं कर पा, अभी भी देखो मूव कर रहा है, मैं स्टोरी बाद में बताती हूँ। दिख रहा है मूव कर रहा है ना, ये देखो इसको लेके पूरा यहाँ से लेके, मैंने तो बस यहाँ से नोटिस किया, पूरा यहाँ से लेके एकदम चरते इधर, अभी देखो और भी चर रहा है, देखो मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 18th of August और ये मैंने स्टोरी क्यों दिखाया, क्योंकि मैं ब्रश कर रही थी, ठीक है, तो फ़ोन लेके मैं नहीं आई, छोड़ के आई थी। मैंने क्यों दिखाया ये स्टोरी, इतने सारे छोटे छोटे चींटी, ठीक है, मतलब एक बड़े से पंखे को मतलब वो फेदर को लेके, फेदर तो बड़ा था, चींटी तो इतने से थे। तो मतलब कभी कभार हम सोचते ना, हम इतने से इंसान क्या कर लेंगे, हम इतने से इंसान, हमें तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी आदर को। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आइडियोलॉजी है, तो ऐसे एनालिसिस आया कि नहीं, हम यूनिटी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम छोटे छोटे हैं तो क्या हुआ, अगर यूनिटी है तो हम सब कुछ अगर यूनिटी है तो पॉसिबिलिटी है, अगर यूनिटी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइक शेरशाह मूवी देखा था, शेरशाह के बारे में बताना था यार गाइस, शेरशाह देखा मैंने, इतना अच्छा था ना, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे शेरशाह। लेकिन भूज मैंने डाउनलोड करके रखा है, मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला अभी तक, और देखूंगी मैं, जब जरूर देखूंगी, डाउनलोड करके रखा है हॉटस्टार में, समय नहीं मिल रहा है, इधर उधर प्रेजेंटेशन वगैरह है, एंड देन करते फिर समय नहीं है, और फिर उसके बाद कभी कभार इतना लो फील होता है ना, फ़ोन पकड़ने को मन नहीं करता। तो यूनिटी ना बहुत बड़ी चीज़ है यार गाइस, यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास दोस्त लोग हैं, अगर फैमिली है, कुछ भी है, यूनाइटेड रहोगे ना, यूनाइटेड कुछ भी कर सकते हैं। आज सुबह पता नहीं ये एग्जांपल मैंने क्यों देखा, मतलब यूनिवर्स कुछ दिखाना चाहता था मुझे कि ये एग्जांपल मैंने देखा अभी सुबह, बहुत मज़ा आया। वेल गाइस, मेरा ब्रश वगैरह हो चुका है, मैं उठी 8:30 अभी, और उसके बाद पूरा दिन का प्लान तो ये है, प्रेजेंटेशन को थोड़ा और अच्छा बनाना है, मतलब और उसको प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशन में ना सबसे बड़ी बात, अगर कोई सुन रहा है प्रेजेंटेशन का बात, प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात टाइम, स्लाइड्स का कलर, स्लाइड अगर बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा एट्रैक्टिव बनाओ, अगर बड़ों के लिए यूनिवर्सिटी लेवल, अगर किसी मतलब यू नो किसके लिए, कुछ सिंपल सा है, मतलब कुछ बड़े लोगों के लिए बना रहे हो, कुछ टॉपिक कुछ लाइक सीरियस तक टॉपिक है, देन आई थिंक थोड़ा प्लेन बैकग्राउंड होने से अच्छा है, टेक्स्ट लाइट कलर जो जो आँखों में ना लगे नहीं, ऐसा कि बाप रे इतना ब्राइट है, देखने से ऐसा ना लगे, आँखों को सहन सके, ऐसा कलर यूज़ करना चाहिए। एंड टाइम लिमिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट, या आप जितना आपको टाइम लिमिट दिया जाए उतना टाइम में आप करो, ख़त्म करो उसको अच्छे से, ज़्यादा बको नहीं, मतलब मैं तो ज़्यादा बक देती हूँ, मेरे को बोल के सीखा है बहुत सालों बाद, मतलब बहुत टाइम बाद प्रेजेंटेशन, आई थिंक 1 साल बाद प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। ये धूप कितना अच्छा लग रहा है, एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि अर्पिता रूम में क्लास करती है, ठीक है, वो 1 बजे तक क्लास करती है, तो मेरा ना शूट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, और रात को मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि एंडिंग ब्लॉग में बनाती ही नहीं हूँ। तो गाइज नेवर माइंड, मैं लिख देती हूँ वहाँ पे, बनाते डेली ब्लॉग बनाने का आदत नहीं था ना, तो सुबह को मॉर्निंग में तो हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम पर मेरा अलग ही रूटीन होता है, मतलब एडिट करो, ये करो, वो करो, डालो, फिर खाना खाओ, मेडिसिन खाओ, थोड़ा पर्सनल टाइम होता है उस टाइम मेरे को ना, एंडिंग करना मैं भूल ही जाती हूँ, फिर उस रूम में शूट करना नहीं होता है, मैंने बताया था पहले भी। एनीवे आई नो यू गाइस विल से हेलो गे थोड़ा, तो ठीक है अभी जाती हूँ मैं, पानी वानी पीती हूँ अंदर। वो चींटी वाला एग्जाम्पल देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वेल नहाना भी है, 8:30 बज चुके होंगे, शेरशाह मूवी मस्त था यार, मस्त था, लाइक अगर शेरशाह नहीं दिखा है तो ज़रूर देखना, और गाने तो उसके इतने लाजवाब है कि सब बच्चों के मुंह में है। मेरे भाई सुबह को कितने चली ये कर रहा था, मैं रांझा करते करते उठी, फिर बहन भी ऐसा करते है, ढोला आता है ना, वो आया ना मेरा ढोला ऐसा करता है, तो अर्पिता ने कितने अच्छे से बिस्तर वगैरह सब साफ किया है रे, देख के दिल खुश हो गया एकदम।
फाइनली आई कैन व्यू माय मार्कशीट, मतलब फाइनल ईयर वाला मार्कशीट, ये देखो ये देखो, और मैं अपना फाइनल दिखाई देती हूँ, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं है तो दिखाने लायक है एटलीस्ट, ज़्यादा किसका लेके लेकिन ज़्यादा ही बुरा है, दिस इज़ व्हाट आई हैव स्कोर्ड फाइनल में, ठीक है। और ये मेरे को मैंने सोचा ही नहीं था डिजर्टेशन में मुझे 6.8 मिलेगा, ओ माय गॉड, इट्स ठीक है, मतलब आई एम फाइन विथ इट। एंड फील्ड वर्क में मिला है 6.5, ठीक है। माजुली जब गई थी ना, माजुली वाला फील्ड वर्क में मिला है 7.7, दिस इज़ अचीवमेंट। मणिपुर गई थी ना, मणिपुर वाला फील्ड वर्क में भी मिला 7.7। वेल या पास हो गई मैं ख़त्म मेरा टिस का जितना भी जो था, वैसे ये पोर्टल होता है ठीक है, आपके नाम का ये पोर्टल, मतलब आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, तो इसमें आप सब कुछ व्यू कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वॉइस लो आ रहा है क्योंकि अर्पिता क्लास कर रही है, बात करने से मारती है। शाम को तो मेरा इंटरव्यू है, तो मैं अभी दूल्हा को सुबह को पढ़ाने जा रही हूँ। ढोला, ओ बाहर का नज़ारा, गन्ने जूस का, गन्ना जूस, ओ गन्ना जूस। आज तो मैं हाफ पैंट में आ गई गाइस, मतलब तो पूरा एकदम घरेलू कपड़ा पहन के कौन करेगा इतना मेहनत जूस चेंज करने के लिए, छोड़ो यार जैसे हूँ वैसे आ गई। मुर्गी देखो, मुर्गी हीरो लगता है तुम, कौन सा एंगल से पढ़ाई नहीं कर, जो लोग पढ़ाई नहीं करते ना वो लोग जीरो होते हैं, जीरो घंटा हीरो है तुम, घंटा हीरो है, हीरो मेरा सर, हमारा माथा, तुम्हारा मुंडू। जल्दी अपना जगह में आओ, अपना जगह में आओ जल्दी, नहीं तो मार मार के ना तुम्हारा हड्डी पिसली एक कर देगा। जल्दी आओ आओ, उठ यहाँ से। गोदी में कौन बैठा है, छानवी छानवी, तुम मत आओ, कैंसिल तुम्हारा, तुम्हारा वो कैंसिल। छानवी छानवी छानवी, ये कौन है छानवी, ये कौन है। थका देता है रे ये बच्चा, थका देता है। देखो यहाँ अभी यहाँ पे बैठा था, कुदक के चला गया उधर। आएगा कि नहीं आएगा तुम, ना फिर से थप्पड़ खाएगा, फिर से थप्पड़ खाएगा, आएगा नहीं आएगा, इतना उत्पात करता है रे बाबा, मारने से भी डांटने से भी कुछ भी करो इसके साथ, फिर भी मैं जानता है सिर्फ मैं किस तरह इसको पढ़ाता है, मैं जानता है, मेरे को पता है। आप लोगों को कैमरा में शायद इसको थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का या फिर हार्डली 5 to 5 मिनट्स भी कहाँ डालते हैं, 1-2 मिनट का क्लिप देखने को मिलता है, लेकिन जो 2-2 घंटा मैं इसके साथ बिताती हूँ, 1.5 घंटा 1.5 घंटा, हाँ मेरे को पता है सिर्फ कितना ज़्यादा मैं, मतलब अभी ना मेरे को इसको पढ़ा के बच्चा पालना, बच्चा ट्रेनिंग देना, मतलब बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं वो सब मैं सीख गई। मैं इसको कब से, मई मंथ से पढ़ा रही हूँ, मई 3 तारीख से, 3rd मई से शायद पढ़ा रही हूँ मैं इसको, अभी देखो अगस्त चल रहा है, ठीक है। सिर्फ मेरे को पता है कि हम क्या झेल के क्या से पढ़ाता है इसको, वीडियो में जितना दिखता है ना उतना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, जो रियल खाट मतलब मेहनत है इसके साथ रहने का वो। ओए गिरी वो, पढ़ता भी इसी तरह है, मतलब इसी तरह से पढ़ता है वो, ठीक है। हाथ में कुछ ना कुछ होगा, खटर खटर करेगा, ये तो भागेगा दौड़ेगा, और मैं बोलती रहूँगी, मतलब मैं 1.5-2 घंटा पूरा, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा मतलब मैं बोलते रहती हूँ, वो बस सुनता है, सुन सुन के कभी बोलता है मूड होने से, कभी नहीं होता है तो नहीं बोलेगा। देखो मतलब मैं ये सब क्यों कैप्चर कर रही हूँ, ठीक है, क्यों कैप्चर कर रही हूँ ब्लॉग में डालने के लिए, ऐसा नहीं कि ब्लॉग में दिखाना वगैरह, लेकिन ये जब बड़ा होगा ना, और बदमाशी जब ये बड़ा होकर जब शांत हो जाएगा, मतलब जैसे मेरा भाई अभी बहुत शांत हो गया, मतलब इससे ज़्यादा उत्पात करता था मेरा भाई, तो उस टाइम तो कोई वीडियो कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था देखने के लिए, बैठो अच्छे से बैठो, हो गया छोड़ दो, हो गया बदमाशी कर लिया बैठो, तो वो सब देखने को नहीं मिलेगा ना, लेकिन इसको देखने को मिलेगा, इसको मैं बड़ा होकर दिखाऊंगी कि देख तेरे को किस तरह पढ़ाती थी मैं, क्या उत्पात करता था, फिर भी जो तो मैं जो करती हूँ रियल वाला जो खटनी है इसके पीछे, रियल वाला जो मेहनत, वो तो दिखाती नहीं हूँ फिर भी ब्लॉग में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये जब बड़ा हो जाएगा, तुम बड़ा होकर देखेगा वीडियो में, पता है कि नहीं तुमको, देखो हीरो हो गया, हीरो हो गया, ये खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है, लेकिन है बड़ा, बहुत बड़ा जीरो, जीरो है ना, हीरो है, जो पढ़ाई करते है वही हीरो होता है, जो बदमाशी करते है वो जीरो होता है, घंटा पढ़ाई करता है तुम, आओ इधर आओ, चलो अभी लिटिल पॉपिप सिखा देगा तुमको, लिटिल पॉपिप बोल दो तो, लिटिल पॉपिप, लिटिल पॉपिप,
देखते देखा नहीं आता लिटिल पॉपी नहीं आता इसको नहीं आता तो इसके बड़े होके देखने के लिए ही ये ब्लॉग में शूट कर रही हूँ अभी ये बड़ा होके देखेगा क्या करता है ये क्या करता था बड़ा हो जाएगा स्कूल जाएगा कितना शर्माएगा ये सब ब्लॉग में देख के आए मैं तो वेट कर रही हूँ उस दिन का स्कूल में बदमाशी नहीं करेगा हाँ स्कूल में सिस्टर होगा टीचर होगा देगा धड़ाधड़ तुमको कौन कैसे बदमाशी करेगा तुम बदमाशी नहीं करेगा हाँ तुम स्कूल जाके बदमाशी नहीं करेगा फोन ना मत रहे नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा हम सबके लिए हाँ तेरे पेरेंट्स के लिए खतरा हो जाएगा इसको स्कूल से निकाल देगा तुमको ये उत्पात तुम अगर स्कूल जाके किया ना रे बाबू तुमको मार मना के बोलो नेक्स्ट स्कूल आने के लिए मना करेगा हम तो कभी कभी बोलते हैं इसको नहीं पढ़ाएगा तुम आता मत मेरा घर मैं भी नहीं जाएगा तुम्हारा घर पढ़ाने के लिए ऐसा बोलता है मैं इसको चलो अभी पढ़ते चलो हो गया इसके बारे में बता दिया मैंने बचैती करना सिखाऊं देखो 10 रुपये का एक साबुन लो इसको बीच में आधा आधा काटो इसको 15 दिन यूज़ करो इसको 15 दिन यूज़ करो जो कि मैं साबुन ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा साबुन लगता है तो मेरा तो 10 दिन चल जाए तो बहुत ही काफ़ी है उस दिन देखा था ना ये साबुन लेके आई थी तो और इसको इस पैकेट में भरा के फिर से वापस रख दो जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको यूज़ कर लो बचैती ये टेक्निक मम्मी से सीखा है एक्चुअली मम्मी करती है अभी यहाँ पे देखूँगी मैं नेवर हैड एवर कोई सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे और ये मेरा भात इसके अंदर है आलू शिद्दो और पानी तो मैं अभी लंच करूँगी और ये देखो खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बस खाना खाने की देरी और नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज देखने की देरी थैंक यू टू वन ऑफ माय फ्रेंड ये नेटफ्लिक्स मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है मैंने अपने दोस्त से उधार ही लिया है बस वो उसको उसके पास देखने का टाइम नहीं है तो मैं देखती हूँ थैंक यू दोस्त थैंक यू सो मच नेटफ्लिक्स देखने देने के लिए वैसे ना मुझे इतना पसंद नहीं है नेटफ्लिक्स लाइक सब कुछ नहीं देखती मैं मतलब ओ बाय द वे आज मैं बहुत टाइम बाद बाटी में खा रही हूँ मतलब आलसी हूँ ना प्लेट धोने में बुरा लगता है तो मैंने ये वाला गंदा था और इसमें आलू शुद्ध था मतलब आलू का चोखा तो मैंने इसी के ऊपर भात डाल दिया ठीक है लेकिन यहाँ पर खाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी लग रहा है ठीक है कोशिश करते हैं फिर भी कोशिश ये आलू चोखा गया किधर हाँ आई थिंक इस पर नहीं होगा खाना प्लेट लाना ही पड़ेगा वट आई एट यू नो आलू राइस एंड सॉल्ट सुबह को ना भाई को भाई फ्राइड राइस मतलब भात भाजी भाजा भात और मम्मी ने उसको ऑमलेट बना के दिया ठीक है वो इसी टेबल में बैठ के खा रहा था और मैं यहाँ पे थी मैंने सोचा भाई मेरे को इतू सा देगा इतू सा भी नहीं दिया यार इतना दुख हुआ ना मुझे उस टाइम मैंने बोला तू मेरे सामने खाया मत कर फिर बहुत दुख होता है नहीं मैं रो नहीं रही लेकिन मुझे दुख होता है सी माय हैंड इज़ ऑल फुल ऑफ राइस और सॉल्ट भी पता है ज़्यादा नहीं खा सकती लिमिटेड सॉल्ट भूखे से खाना चाहिए कब मैं ठीक हो जाऊंगी और एकदम दबा के खाऊंगी वो टाइम आने में अभी टाइम है ये बस स्टार्ट कुर्सी अभी तो बीच में सांटू को गौर से देखो सांटू को बिस्कुट खा रहा है बिस्कुट बिस्कुट फिर से आ गया ये हे गाइस आ गया मुंह दिखा अपना अच्छे से चल इधर घूम ये घुसते ही इसको चोट लगी आज हमेशा टोपी लेके आता है दीदी को ब्लॉग बनाओ ये मेरा दीदी का बेटा है मतलब मैं इसकी मासी लगती हूँ मासी तो ऐसे सादा से नाम से काला है गेम खेल मेरा खाली बाकी सब कर जा इच्छा मैंने ना इंटरव्यू दिया ना तो वो लोग ना आधा में रुका दिया मुझे मतलब प्रेजेंटेशन देना था तो मैंने प्रेजेंटेशन दे आधा में रुका दिया इतने मैट्रिक के पैसे मैं मात्र शट डाउन कर लूँगा मेरे लैपटॉप का अभी शट डाउन किया बस मोबाइल दिखा किस करो जब की हॉटस्पॉट गेम ना আমার মোবাইল দিগা না 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 গেম খেলা যায় না আমার ফোন আমার ল্যাপটপে তো স্ট্রং না তো পড়াশোনার জন্য খালি
ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है ओ शुभम पासवर्ड की भाई बच्चा रे पासवर्ड मोबाइल का लेकिन कुछ भाई मेरे पासवर्ड की पासवर्ड पहले है पासवर्ड जानी ना अभी हे हां सुन ना ये कर तो गेम खेल बोले हमारा लैपटॉप पे देखना मान ना ना वो बोले मोबाइल से कनेक्ट करबो मोबाइल बच्चा हमारे लैपटॉप पे पासवर्ड को भी ना कहीं पे पूजा हुआ था तो मम्मी गई थी, मम्मी लेकर आई और ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैकपैक। जब अभी बज रहे हैं 8:30, ठीक है, अभी बज रहे हैं 8:30। आई डिड नॉट गेट अ टाइम टू शूट इवन अ सिंगल ब्लॉग इवनिंग के बाद से। इंटरव्यू था मेरा, मैंने वो दिया, गेस्ट आए थे उस टाइम, वो सब किया, उसके बाद से खा लेती हूँ। तब बज रहे थे 8:30 जब मैं वो बादाम खा रही थी, लेकिन उसके बाद मैं कोई व्लॉग ही शूट नहीं कर पाई, मतलब कोई क्लिप शूट ही नहीं कर पाई। अभी मैंने बालों को ये हाल किया है, दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा गाइज। अभी बज रहे हैं 10, मतलब 10 बजने में 10 मिनट और मेरा कचरा मैंने इस तरह फैला के रखा है। एक्चुअली कल का मेरा पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुआ और मैं कल गुवाहाटी जा रही हूँ सुबह सुबह। आज कोई व्लॉग ही नहीं डाला गाइज मैंने। तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वीकनेस लग रहा है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। माय मम्मी इज़ कॉन्शियस कि मैं मम्मी भालो पाए ना हमार ब्लॉग बनाना था, मम्मी भालो पाए ना, কিন্তু আমি ব্লগ বানানো ছাড়বো না, আমি সারা জীবন ব্লগ বানিয়ে থাকবো, মানে আমি যতদিন বেঁচে আছি অতদিন ব্লগ বানিয়ে থাকবো। মতলব মেরা হবি হ্যায় আর মে কিসি দূসরে কে লিয়ে ব্লগ বানানা ছোড়না নেই চাহতি, মুঝে ব্লগ বানানি হ্যায় গাইজ। এনিওয়ে গাইজ, আইল সি ইউ অন মাই নেক্সট ব্লগ, টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই। कल मैं गुवाहाटी जा रही हूँ, फिर से आपको गुवाहाटी देखने को मिलेगा व्लॉग में। गुवाहाटी तो ऐसा हो रहा है जैसे माछ बाजार, मतलब लोग सब्जी बाजार जाते हैं ना घर से, मछली लेने, सब्जी लेने, बाजार करने। तो मेरा भी कुछ ऐसा हो गया है गुवाहाटी जाना। पहले तो मैं व्लॉग नहीं बनाती थी ना, मैंने बहुत बार पहले भी बताया था ना कि मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तब मैं गुवाहाटी आती थी बहुत बार। तो तब अगर आप लोग मुझे देखते ना तो ऐसे लाइक पकाएगा गुवाहाटी, पकड़ेगा गुवाहाटी, ब्लॉग आएगा गुवाहाटी, ऐसा होता ब्लॉग, मतलब व्लॉग में अगर ऐसा होता तो, क्योंकि मैं एटलीस्ट 2018 का जो एंडिंग पार्ट था ना, मतलब 6 मंथ्स मैंने कोचिंग लिया हुआ था गुवाहाटी में और मैं हफ्ते में 2 दिन गुवाहाटी जाती थी, ठीक है, क्या मेहनत करती थी यार उस टाइम, कोचिंग करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, कोचिंग का पढ़ाई करती थी, फिर डिग्री पढ़ रही थी, मतलब डिग्री का 5th सेमेस्टर था मेरा उस टाइम, फिर टिस के लिए अप्लाई कर रही थी, टिस का प्रिपरेशन कर रही थी, फिर बाकी बहुत जगह पे अप्लाई कर रही थी, मतलब मास्टर्स के लिए, फिर मैंने BHU में अप्लाई किया था, तेजपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया था, SSC का 2-3-4 बहुत एग्ज़ाम दिए थे, आयोन गुवाहाटी है ना उसमें, तो मैंने भयंकर एग्ज़ाम दिया, बहुत एग्ज़ाम दिए उसमें। लेकिन कल मैं उल्लूबाड़ी जा रही हूँ एक्चुअली गाइज, मेरे को ना बात करने का और ताकत नहीं है, मेरे को लंबा नहीं खींचना चाहती इतना जल्दी इतना ज़्यादा। एनीवे गाइज, विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।